जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान योजना का पीएफएमएस का अपडेट कब आएगा। पीएफएमएस को अपडेट को लेके काफी सारा किसान ने मुझे मैसेज कर रहा है, पीएफएमएस रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, पीएफएमएस सेंड हो चुका है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफएमएस रेस्पॉन्स कब होगा और पीएफएमएस जिस किसान का पेंडिंग है, जिस किसान का रिजेक्ट है, रिजेक्ट होने के बाद क्या करना होगा, पेंडिंग होने के बाद क्या करना होगा, पीएफएमएस रेस्पॉन्स डेट कब है, यह सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों ये जो अपडेट है लेटेस्ट अपडेट है, तो दोस्तों सभी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप कीजिए अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करने के बाद आपको अभी चेक करना होगा लास्ट पीएफएमएस रेस्पॉन्स, यानी कि दोस्तों लास्ट पीएफएमएस रेस्पॉन्स चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट ये पेज पर आना होगा। इस पर आने के बाद यह जो चार्ज बार का ऑप्शन है इसी पे आपको टास्क करना होगा। उसके बाद राइट साइड में जो आपको पेन जैसा ऑप्शन दिखाई देगा इसी पे क्लिक करना होगा। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपका पीएफएमएस रेस्पॉन्स यानी कि पीएफएमएस का जो लिंक है एडिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्टार है स्टार को आपको हटाना होगा। जो भी स्टार है स्टार को हटाने के बाद स्टार के जगह आप रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करके आप चार्ज कर दीजिएगा। दोस्तों चार्ज करने के बाद पीएफएमएस का तरफ से जो भी लास्ट रेस्पॉन्स होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो भी रेस्पॉन्स निकाला है देखिए इसमें क्या बता रहे, इसमें बता रहे पीएफएमएस का तरफ से दोनों पॉइंट सही है, पीएफएमएस में पेमेंट मोड आधार होनी चाहिए और इसमें पीएफएमएस रेस्पॉन्स की जगह ACCP होनी चाहिए, इसका मतलब है एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर आपका पेमेंट मोड आधार है और एक्सेप्ट है इसका मतलब आपका पीएफएमएस में सब कुछ सही है। दोस्तों अब बात करते हैं जिस किसान का पीएफएमएस रेस्पॉन्स की जगह पेंडिंग है उसी तरह किसानों को क्या करना होगा। दोस्तों जिस किसान का पीएफएमएस पेंडिंग काफी दिनों से दिखा रहा है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना हो चुका है, उसी तरह किसान को दोबारा से बैंक अकाउंट से डीबीटी लिंक करना होगा। अगर आपका अभी अभी पेंडिंग बता रहे यानी कि दोस्तों दो तीन दिन हुआ है आपका पेंडिंग करके लिखा रहे, इसका मतलब आपका पीएफएमएस की तरफ से अपडेट आने वाला है। तो दोस्तों आप बात करते हैं जिस किसान का पीएफएमएस रिजेक्ट है उसी तरह किसानों को क्या करना होगा। दोस्तों पीएफएमएस रिजेक्ट जितने किसानों का है इनमें से 90% किसानों को अपने आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करने से ये पीएफएमएस एक्सेप्ट हो जाता है। और जिस किसान का इनकम टैक्स पे की वजह से या दोस्तों दूसरा कोई सर्विस टैक्स की वजह से रिजेक्ट हुआ है उसी तरह किसानों को नहीं होगा। और जिस किसान का UID नेबार डिजेबल इनेबल बता रहे उसी तरह किसानों को बैंक अकाउंट से अपने आधार कार्ड को लिंक करने से पीएफएमएस एक्सेप्ट हो जाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं पीएफएमएस की तरफ से रेस्पॉन्स कब मिलेगा। दोस्तों पीएफएमएस की तरफ से रेस्पॉन्स को 27 और 28 मई को आने वाला है। अगर आपका पेंडिंग है तो दोस्तों 27 मई से लेकर 28 मई तक वेट करिएगा। और जिस किसान का अभी तक रिजेक्ट बता रहे उसी तरह किसान जल्दी में सही डीबीटी लिंक कर दीजिएगा, क्योंकि 27 मई से लेकर 28 मई के अंदर पीएफएमएस वेरिफिकेशन आने वाला है। दोस्तों पीएफएमएस का रेस्पॉन्स डेट है आपको 27 मई और 28 मई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दिया है, अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज कीजिएगा। चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।